वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल। आज भी हमारे पास पांच वर्ड्स हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। आज का पहला वर्ड है विनियल। देखिए प्रोनंसिएशन लिखा हुआ है विनियल। विनियल की हिंदी होती है क्षम्य। क्षम्य मीन्स क्षमा करने योग्य। दूसरा है स्मगलर मीन्स तस्कर। स्मगलर मीन्स तस्कर। फिर है पोस्टस्क्रिप्ट। पोस्टस्क्रिप्ट में टी और एस को साइलेंट करके हम पढ़ते हैं, पोस्टस्क्रिप्ट हो गया। पस्ट लेख बोलते हैं। फिर नेम सेक मतलब हम नाम। फिर है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब ऊपर लिखा हुआ है अविश्वसनीय, मतलब जो विश्वास करने लायक नहीं होता है। तो पहला वर्ड है विनियल। विनियल में क्षमा, क्षमा करने योग्य। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते हैं। अपार्डनेबल फॉल्ट। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना। पार्डन आप बोलते हैं ना, आई बेग पार्डन, तो मैं क्षमा माफी चाहता हूँ होती है हिंदी इसका। तो पार्डनेबल क्षमा करने योग्य क्या। फॉल्ट, फॉल्ट मतलब गलती। गलती जो क्षमा करने योग्य होती है उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे क्षम्य। क्षमा करने योग्य गलती क्षम्य। और इंग्लिश में बोलेंगे विनियल। विनियल याद रखेंगे स्पेलिंग, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन वैसे ही इसका स्पेलिंग भी है VENIL विनियल, राइट। नेक्स्ट वन इज स्मगलर। स्मगलर मतलब तस्कर। जो स्मगलिंग करता है उसे बोलते हैं स्मगलर। तो स्मगलिंग करने वाला स्मगलर। बट व्हाट इज स्मगलिंग। स्मगलिंग क्या होता है, हम किसी देश से अपने देश में सामान मंगाते हैं। गुड्स मतलब सामान मंगाते हैं या अपने देश से किसी देश में भेजते हैं सामान, तो इसको बोलते हैं, मंगाने को बोलते हैं इंपोर्ट करना और भेजने को बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। तो जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेइंग, बिना चुकाए कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी एक टैक्स है जो सरकार को देना पड़ता है, चाहे सामान मंगाएंगे हम विदेश से चाहे विदेश में सामान भेजेंगे। तो जब बिना चुकाए हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्मगलिंग, तस्करी। और जो लोग इस काम को करते हैं, तो यहाँ पे ER जोड़ा हुआ है तो यहाँ पे ER रहेगा, स्मगलर बोलते हैं उनको। यह हो गया स्मगलर। देन है पोस्टस्क्रिप्ट। पोस्टस्क्रिप्ट मतलब पसलेख। पसलेख क्या होता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है उस पर साइन होता है, डॉक्यूमेंट फिनिश हो गया लेकिन उसके बाद साइन के बाद अगर उस पर कुछ लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं पोस्टस्क्रिप्ट। पसलेख हो रहा है, पीछे लिखा जा रहा है, साइन होने के बाद लिखा जा रहा है। देखते हैं एनीथिंग रिटन इन द लेटर आफ्टर इट हैज बीन साइंड। एनीथिंग कुछ भी लिखा हुआ लेटर में जब वह साइन हो गया होता है उसके बाद, तो कुछ भी लिखा हुआ होता है उस लिखे हुए को बोलते हैं पोस्टस्क्रिप्ट पसलेख, याद रखेंगे आप। फिर नेम सेक मीन्स हम नाम। हम नाम मतलब अपने नाम जैसा, एक नाम जैसा। जैसे किसी का नाम ABC है और दूसरे का भी नाम सेम है ABC, तो कहेंगे कि ये दोनों नेम सेक है, हम नाम है। पर्संस हैविंग सेम नेम। पर्संस होगा यहाँ पे, पर्संस हैविंग सेम नेम, लोग जिनका एक ही नाम होता है, एक जैसा नाम होता है, उसको बोलते हैं नेम सेक, हम नाम। नेक्स्ट वन इज इनक्रेडिबल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनक्रेडिबल स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, मिस स्पेल्ट में भी पूछता है। इनक्रेडिबल उच्चारण जिस तरह से है वैसे ही स्पेलिंग भी है, याद रहेगा। इन तो ठीक है, क्रेडिबल CREDIBLE याद रखेंगे। अविश्वसनीय। अविश्वसनीय का मतलब क्या होता है, मतलब जिसको देखने पे विश्वास नहीं होता है कि इतना अच्छा भी किया। जैसे हमने एग्जाम दिया, एग्जाम में हम 200 का पेपर है और हमने ला दिया 190 मार्क्स, तो आप बोलेंगे आई हैव गॉट इनक्रेडिबल मार्क्स। हाँ, क्योंकि आप तो तैयारी किए थे, आप तो मुश्किल से होप करते मैं पास कर जाऊंगा, वेरज आपने तो 190 ला दिया है। ऐसे ही इनक्रेडिबल कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकता है। एनीवेज दैट विच कैनॉट बी बिलीव्ड, वह जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। तो आज के पांच वर्ड्स फटाफट, विनियल, अपार्डनेबल फॉल्ट, स्मगलर, द इंपोर्टर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम्स ड्यूटी, पोस्टस्क्रिप्ट पसलेख, एनीथिंग रिटन इन द लेटर आफ्टर इट हैज बीन साइंड,
namesake persons having same name, incredible, अविश्वसनीय, that which cannot be believed. Thank you very much.